हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय माता दी। मेरा नाम विशिष्ट केसर है और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द ट्रैवल विश लिस्ट में। तो जैसा कि आप सबको पता है, पिछले महीने महादेव की कृपा से हम कर पाए थे अपनी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा सफल। ये प्लान हमारा काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस था, बट महादेव और माता रानी की कृपा से सब कुछ काफ़ी ज़्यादा स्मूथली हो गया था। इस यात्रा की शुरुआत हमने करी थी 2 सितंबर को और हमें इस यात्रा में ऑलमोस्ट 1 मंथ लग गया था। तो आज से मैं डालने वाला हूँ अपनी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के व्लॉग्स, और इन व्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगा अपनी पूरी जर्नी के बारे में कि जैसे जैसे हमारी जर्नी रही है, हमने अपना सीक्वेंस जो था वो किस हिसाब से चूज़ करा और क्यों चूज़ करा, जो हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिए, कहीं कैब से गए, कहीं ट्रेन से गए, कहीं फ्लाइट ली हमने, और जिन जिन होटल्स में स्टे करा, किन किन लोकेशन में स्टे करा, और काफ़ी सारी जो भी नीडफुल इंफॉर्मेशन होगी जो आपके काम आएगी अगर आप भी फ्यूचर में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हो तो। तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की, बट उसके पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने सीक्वेंस की जो हमने फॉलो करा 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के दौरान, जो कि इस प्रकार है। हमारा पहला ज्योतिर्लिंग था केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद हम निकले अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। फिर उसके बाद हम निकले अपने तीसरे ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ के ओर, जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है। तो बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद हम निकले अपने चौथे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, महाकाल की नगरी उज्जैन में। यहाँ हम करने वाले थे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपने पांचवें ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन करने, जो कि एमपी के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये उज्जैन से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े गुजरात की ओर। यहाँ पे भी 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, नागेश्वर और सोमनाथ।
सबसे पहले हमने करे सोमनाथ के दर्शन, जो कि वेरावल में स्थित है। फिर वहां से हम निकल पड़े द्वारका के लिए। यहाँ हम करने वाले थे अपने साथ में ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जो कि होने वाला है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। फिर गुजरात से निकल कर हम सीधा पहुंच गए महाराष्ट्र की ओर। यहाँ पे 3 ज्योतिर्लिंग स्थित है, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर और गिरीशनेश्वर। सबसे पहले हमने करे भीमा शंकर के दर्शन। फिर उसके बाद हम निकल पड़े त्र्यंबकेश्वर के लिए। फिर लास्ट में हमने करे कृष्णेश्वर के दर्शन। फिर पुणे से फ्लाइट लेकर हम निकल पड़े आंध्र प्रदेश की ओर। यहां हम करने वाले थे अपने 11वें ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुना के दर्शन। फिर वापस हैदराबाद से फ्लाइट लेकर हम निकल पड़े तमिलनाडु के लिए। यहाँ हम करने वाले थे अपने 12वें ज्योतिर्लिंग और लास्ट ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के दर्शन। फिर वापस मदुरई से दिल्ली की फ़्लाइट लेकर और दिल्ली से कटरा की फ़्लाइट लेकर हम पहुंच गए अपने घर। और इस जर्नी में हमें लगे पूरे 30 दिन। हर हर महादेव, जय माता दी।